आज हम स्टार्ट करेंगे सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल नियता। क्या है? सेल कांस्टेंट या सेल नियता। देखो, सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड और एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। ठीक है, सेल कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की क्या है, ये दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच की दूरी और इस इलेक्ट्रोड का, किसी भी एक इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल, उसका अनुपात, रेशियो ऑफ लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स एंड एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड। तो इसको डिनोट किससे करते हैं, सेल कांस्टेंट को जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। तो सेल कांस्टेंट या सेल नियतांक क्या होता है? लेंथ, इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई और इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल का अनुपात क्या कहलाता है? सेल नियतांक कहलाता है। तो जी इज इक्वल टू दो इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई और इलेक्ट्रोड का क्षेत्रफल का क्या है, अनुपात है। अनुपात को ही क्या बोलते हैं? सेल नियतांक कहते हैं। ठीक है, अब सेल नियतांक की यूनिट निकालते हैं, सेल नियतांक का मात्रक निकालते हैं। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। इसका क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या आया? मीटर इनवर्स आया, है ना। तो जी का मात्रक क्या आया? मीटर इनवर्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे कि सेल नियतांक, विशिष्ट चालकता और चालकता में संबंध क्या है। सेल नियतांक, विशिष्ट चालकता और चालकता में संबंध क्या है? क्या किसको? सेल नियतांक को, सेल नियतांक को जी से डिनोट करते हैं। के तो कापा हो जाएगा, वो हर किसी का अलग अलग है। ठीक है, कोई इसको जी स्टार भी लेते हैं, कोई चालकता को जी से डिनोट करते, कापा, के ए पी ए, कापा। ठीक है, कोई तो चालकता, अपन चालकता को सी से डिनोट करते हैं ना, कोई तो चालकता को जी से डिनोट करते हैं और फिर इसको जी स्टार, सेल नियतांक को किस लिए? जी स्टार से डिनोट करते हैं। जी हो जाएगी चालकता और जी स्टार हो जाएगा ये सेल नियतांक। कापा के होता ना, ये सेल नियतांक है जी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम क्या पढ़ेंगे? सेल नियतांक विशिष्ट चालकता कापा और चालकता में संबंध। बातें मत करो, सब रिकॉर्ड हो रहा है। चालकता सी में संबंध, ठीक है। सेल नियतांक क्या है? जी। तो जी, कापा और सी में क्या संबंध है? तो इनमें एक संबंध होता है, कापा इज इक्वल टू सी चालकता इनटू जी। ये संबंध होता है इन तीनों में, सेल नियतांक, चालकता और विशिष्ट चालकता में ये संबंध होता है, कापा इज इक्वल टू सी इनटू जी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, या फिर सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कापा अपॉन जी। सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कापा अपॉन जी। ठीक है, जी की वैल्यू अपन ने अभी निकाली थी, क्या थी? एल अपॉन ए। जी इज इक्वल टू क्या था? एल अपॉन ए था, है ना। तो वैल्यू रख देते हैं, कापा इंटू ए अपॉन एल, क्या हो जाएगा? ए अपॉन एल। ठीक है, तो ये सी इज इक्वल टू क्या आया? कापा इंटू ए अपॉन एल। या फिर यू भी कर सकते हैं कि जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कापा कापा अपॉन सी आ जाएगा, कापा अपॉन सी। ठीक है, तो यही क्या है इनके अंदर, सेल नियतांक, विशिष्ट चालकता के और चालकता में संबंध है। कापा इज इक्वल टू सी इंटू जी, या सी इज इक्वल टू कापा अपॉन जी, या जी इज इक्वल टू कापा अपॉन सी। ठीक है, तो यही क्या है इनके अंदर संबंध है। फिर अपने आता है एक अच्छा सा टॉपिक, कोलराउस का नियम। क्या टॉपिक है? कोलराउस नियम। सेल स्थिरांक का, सेल स्थिरांक का, एक मिनट, मैंने पढ़ा तो था, बाद में बताती हूँ, रुको।
ठीक है, तो अपन अभी क्या पढ़ेंगे, कोलराउस का नियम। कोलराउस नियम, ये क्या नियम है देखो, कोलराउस का नियम क्या कहता है, ये कोलराउस नियम क्या होता है, ये होता है आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ठीक है, आयनों के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। ठीक है, अब होता क्या है कोलराउस का नियम, आपस में बातें नहीं करोगे, कोलराउस का नियम होता क्या है तो वो देखते हैं, कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता जो है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता जो है वो किसके बराबर होती है, वो उस विलयन में धनायनों और ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता की क्या होती है, समानुपाती होती है या बराबर होती है। ठीक है, तो क्या है कोलराउस का नियम, कि किसी विद्युत अपघट्य की, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता उस विलयन में, तुल्यांकी चालकता उस विलयन में धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर, की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के, आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है, के योग के बराबर होती है। तो कोलराउस का नियम क्या कहता है, कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता उस विलयन में धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है, आयनिक चालकता के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो तुल्यांक की चालकता क्या होगी, देखो कोलराउस के नियम से, तनुता अनंत हो, अनलिमिटेड अनंत है तनुता, देखो अब जैसे कोई विलयन है, ठीक है, उसके अंदर अपन ना क्या विलायक घोलते हैं, ठीक है, तो जो विलयन की जो सांद्रता होगी, सांद्रता और तनुता होती ना, तनु विलयन और सांद्र विलयन, ठीक है, तनुता मतलब पतला सा, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत कम हो, तो जैसे कोई विलयन है, ठीक है, उसके अंदर अपन विलायक मिला रहे हैं, तो उसकी विलयन की सांद्रता जो पहले थी उसके अंदर अब अपन ने विलयन विलायक मिला दिया है, तो वो तनुता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, उसकी सांद्रता कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे कोई गाढ़ा लिक्विड है, कोई भी तेल है, तेल की बात नहीं कर सकते अपन, कोई भी गाढ़ा लिक्विड है, ठीक है, उसके अंदर अपन ने पानी मिला दिया तो वो क्या हो गया, तनु हो गया, है ना, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, तो वो तनुता। ठीक है, तो क्या हो गया, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता उस विलयन में धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो लैम्डा इक्विवेलेंट किस पर है, अनंत तनुता पर। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगी, देखो लैम्डा प्लस अनंत प्लस लैम्डा माइनस अनंत, यानी कि ये क्या कह रहा है, देखो कि विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांक की चालकता
किसके बराबर है? धनायन, मिलियन में धनायन व ऋणायन की अनंत तनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर। ठीक है, तो ये है कोलराउस का नियम। ठीक है, अब ये जो नियम है वो किसके लिए दिया गया है? NaCl और KCl के लिए। ये जो फॉर्मूला है कि लैम्डा इक्विवेलेंट अनंत इज इक्वल टू लैम्डा प्लस अनंत प्लस लैम्डा माइनस अनंत, ये किसके लिए? NaCl और KCl के लिए। इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है? देखो, लैम्डा इक्विवेलेंट अनंत इज इक्वल टू क्या होता है? 1/μ प्लस लैम्डा प्लस अनंत प्लस 1/μ माइनस लैम्डा माइनस अनंत। ठीक है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है, जहां पर ये न्यू क्या है? न्यू है आयनों पर आवेश। क्या है? आयनों पर आवेश। ठीक है, तो देखो अगर हम NaCl की बात करते हैं, किसकी बात है? इन दोनों में से किसी एक ही, दोनों एक जैसे, इसमें भी प्लस है, इसमें माइनस है, इसमें भी प्लस वन है, इसमें भी माइनस वन है। ठीक है, दोनों एक जैसे, तो किसी एक का उदाहरण ले लेते हैं अपन, NaCl का ले लिया जैसे अपन ने। ठीक है, तो देखो अब NaCl जब आयनों में वियोजित होगा क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस बनाएगा, है ना। तो अब देखो न्यू क्या है? आयनों पर आवेश है। ठीक है, यहाँ पर धनायन क्या है? Na है। ऋणायन क्या है? क्लोरीन है। ठीक है, तो अब न्यू क्या है? आयनों पर आवेश है, तो धनायन पर आवेश कितना है? प्लस वन। ऋणायन पर आवेश कितना है? माइनस वन। तो अब वैल्यू रख देते हैं, लैम्डा इक्विवेलेंट अनंत इज इक्वल टू 1/ धनायन की वैल्यू कितनी है? धनायन पर आवेश कितना है? 1 है, है ना। उधर ध्यान दे रहे हो, उधर दे रहे हो, लैम्डा इक्विवेलेंट अनंत क्या आया? 1/1 धनायन पर आवेश कितना है? प्लस 1 है, तो 1 लैम्डा प्लस अनंत प्लस 1/μ माइनस, म्यू माइनस की वैल्यू क्या है? ये भी 1 है, 1 लैम्डा अनंत लैम्डा माइनस अनंत। ठीक है, तो 1/1 ये भी 1/1 है, तो सेम ही आएगा, तो क्या आएगा? ये आएगा। तो ये जो फॉर्मूला आया है वो यहाँ से आया है। ठीक है, लैम्डा इक्विवेलेंट अनंत ये किसके बराबर होता है? लैम्डा प्लस अनंत और लैम्डा माइनस अनंत के योग के बराबर होता है। तो ये किसके लिए था? NaCl के लिए या फिर KCl के लिए अपन कह सकते हैं, उनके लिए था। ठीक है, अब अगर हम किसकी बात करें? कैल्सियम क्लोराइड की बात करते हैं, CaCl2 की बात करते हैं। ठीक है, ये तो किसके लिए है? NaCl और KCl की। अब हम क्या करेंगे? CaCl2 की बात करते हैं। ठीक है, CaCl2 ये किसमें चेंज होगा? Ca2 प्लस प्लस Cl माइनस में चेंज होगा, Cl माइनस में चेंज होगा। अब देखो इसके लिए न्यू प्लस की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक है, और इसके लिए न्यू माइनस की वैल्यू कितनी है? माइनस 1 बोल देते हैं। ठीक है, 1 आवेश की संख्या बतानी है, प्लस माइनस नहीं बताना है। ठीक है, नहीं यहाँ पे देखो यही क्या है? न्यू प्लस और न्यू माइनस है। ठीक है, तो न्यू प्लस की वैल्यू कितनी है? 2। न्यू माइनस की वैल्यू कितनी है? 1। हाँ, वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ये 2 है और ये क्या है? 1 है। तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, धनायन की वैल्यू कितनी है? धनायन पर आवेश कितना है? 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। और ऋणायन पर आवेश कितना है? 1 है, तो 1/1 हो जाएगा। तो वैल्यू रखने से जो आएगा वो ये होगा। ठीक है, फिर और अगर हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे एल्यूमिनियम Al2 एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जांपल ले देते हैं। Al2SO4 का होल साइज, Al2SO4 का होल साइज। ठीक है, तो ये किसमें चेंज होगा? Al2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस, 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस में वियोजित होगा या विघटित होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए न्यू प्लस की वैल्यू कितनी है? 3। एल्यूमिनियम के लिए कितनी है? 3 प्लस है, तो 3। ठीक है, और न्यू माइनस की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, तो वैल्यू रखने पर जो आएगा वो आएगा। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जाम्पल था। अब हम ये तो कोलराउस के नियम से क्या था? तुल्यांक की चालकता थी। ठीक है, अब हम कोलराउस के नियम से मोलर चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। कोलराउस के नियम से क्या कर सकते हैं? मोलर चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो उसके लिए क्या फॉर्मूला है? उसके लिए क्या फॉर्मूला है? देखो लैम्डा एम
इज इक्वल टू यहाँ पे वन अपॉन न्यू प्लस और वन अपॉन न्यू माइनस आना। अब लेमडा एम में हम क्या लेंगे, जेड प्लस लेमडा प्लस अनंत प्लस जेड माइनस लेमडा माइनस अनंत, ठीक है। वन अपॉन न्यू प्लस और वन अपॉन न्यू माइनस की जगह क्या लेंगे, जेड प्लस और जेड माइनस लेंगे, ठीक है। तो अब देखो जेड क्या है, यहाँ पे जेड क्या है, जेड है आयनों की संख्या, क्या है आयनों की संख्या, या फिर यू बोल दो कि मोलों की संख्या, आयनों की संख्या या फिर यू बोल दो कि मोलों की संख्या, ठीक है। इससे पहले अपन ने कौन सा एग्जांपल लिया था, एल्यूमिनियम सल्फेट का एग्जांपल लिया था, उसी को ही वापस ले लेते हैं, ठीक है। Al2SO4 का होल साइज किसमें चेंज हो रहा था, Al2Al3 प्लस प्लस 2SO4 2 माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ 2SO4 2 माइनस होता है, एल्यूमिनियम 3 प्लस होता है, ठीक है। क्यों, हाँ 3SO4 2 माइनस, ठीक है वो। अब देखो एल्यूमिनियम के कितने मोल काम में आ रहे हैं, दो मोल काम में आ रहे हैं, दो एल्यूमिनियम है और SO4 के कितने हैं, तीन SO4 सल्फेट आयंस है, या फिर मोलों की संख्या बोल दें तो एल्यूमिनियम के कितने मोल है, दो दो मोल है यहाँ पे और सल्फेट के कितने हैं, तीन मोल है। तो जेड क्या है यहाँ पे, आयनों की संख्या या फिर मोलों की संख्या है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, धनायन के मोलों की संख्या लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे, धनायन के मोलों की संख्या लिख देंगे। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे धनायन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर लिख रही हूँ मैं, इस एग्जाम्पल के हिसाब से क्या होगा, देखो लेमडा अनंत Al2SO4 का होल साइज ठीक है इज इक्वल टू जेड की वैल्यू कितना है, जेड की वैल्यू है 2, जेड प्लस की, ठीक है जेड प्लस की वैल्यू कितनी है 2 है और लेमडा Al3 प्लस अनंत प्लस जेड माइनस की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 लेमडा SO4 2 माइनस अनंत, ठीक है। तो ये क्या है, मोलर चालकता ज्ञात करने का तरीका है, ठीक है, जो अपन ने इसको एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया। तो ये था अपने कोलराउस का नियम। नेक्स्ट अपने टॉपिक आएगा चालकता मापन के अनुप्रयोग, ठीक है, तो वो हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इतना है।